होल्डिंग आए थे आप लोग, जितने भी यहाँ हमारे जो सोशल मीडिया के हमारे मीडिया कर्मी हैं, वो दो दिन से हम भी देख रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, पूरे दिन कवर करते हैं, ये सब चूरा है, आप दिखा भी रहे हैं, गद्दे भीज गए हैं पूरे, पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है। तो कोई दिन में आए, एक महिला थी, एक जेंट्स थे कि हम मदद करना चाहते हैं, तो क्या हम आपको फोल्डिंग दे सकते हैं। तो पहलवान जी से मिले, उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए, उन्होंने भिजवा दिया। तो कौन सी आफत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट गया, ब्रजभूषण सिंह तो महल में लेट रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में हैं, महल में उनका सिंहासन है, जब भी वो कोई भी डिबेट करते हैं सिंहासन पे बैठ के करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि पांच फोल्डिंग नहीं आ सकते थे, और अगर आए हैं तो महिला रेसलर्स के साथ ऐसी बदतमीजी क्यों हुई। राहुल जी आपको चोट कैसी लगी? बहन विनेश फोगाट को उन्होंने फोल्डिंग फेंक के मारा है, एसीपी साहब ने गाली गलौज करी है, बाल पकड़ के खींचा है, धक्का मुक्की हुई है, महिला पुलिस नहीं थी। और तब हम लोग यहाँ से गए हैं, सारे रेसलर्स गए हैं, तो वहाँ मैं बीच में चला गया, मेरे को वो फोल्डिंग लगा है, उसके बाद मैं गिर गया हूँ। क्या लगता है जिस तरह परमिशन, तो वो हाँ ये भी कह रहे हैं कि धरने की भी परमिशन नहीं है, तो आप ये बताओ क्या फोल्डिंग पे सोएंगे नहीं, क्या गीले में सोए, क्या दारू पीने की परमिशन है यहाँ? पुलिसकर्मी पी रहे थे, गाली गलौज कर रहे हैं, बिल्कुल थे, आपने देखा नहीं, लाइव भी चला है, मीडिया ने दिखाया भी है, जो भी एक दो मीडिया कर्मी थे यहाँ, तो क्या उसकी परमिशन है, क्या एसीपी साहब को गाली गलौज की परमिशन है? ब्रजभूषण के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, दबाव यहाँ बनाएंगे, इतना दबाव वहाँ बना लें तो सही हो जाएगा, धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको अरेस्ट करिए, जेल भेजिए, मतलब फोल्डिंग पे दिक्कत है। और वो अत्याचार करे, सेक्सुअल हैरेसमेंट के उस पर केस लगें, उस पर FIR भी कट जा, तो फिर दिक्कत नहीं है, ना पुलिस को है, ना सरकारों को है, ना किसी को है। आपको लगी चोट क्या, और किसी पहलवान? और एक दो खिलाड़ी हैं, एक हमारे चाचा यहीं थे, इनको भी पैर में आई है, और विनेश फोगाट जी को पैर में लगी है, उनके भाई के टाके हैं दो तीन, वो अभी हॉस्पिटल में हैं, मुझे भी टाके हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ है। तो राहुल जिस तरह से राहुल गांधी के साथ आनंद फानंद में कार्रवाई हुई थी, लेकिन यहाँ ऐसी देखने को नहीं मिली। देखिए हम पॉलिटिशियन तो हैं नहीं, ना हम नहीं करना चाहते, आनंद फानंद में सरकार को करना चाहिए, या फिर एक ऐसा कानून बना दें कि गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है, या जो पार्टी में नेता हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी, FIR भी बाद में होगी। तीन महीने पहले जब आंदोलन हुआ था तो आश्वासन दिया गया, लेकिन बात कोई भी मान कमेटी की बात नहीं, तीन महीने पहले इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। आप लोग अभी बाकी हाँ, वो फोल्डिंग तो इन्हीं के अधिकारियों ने कहा कि ले आओ, एक पुलिस, दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी थे, वन स्टार या टू स्टार थे वो, या वन स्टार थे, उन्होंने कहा लिया हो, उसके बाद एसीपी साहब को कौन सी नींद की गोली खाली नशा था जो उन्हें जो बदतमीजी करनी शुरू कर दी। RML गए थे आप, वहाँ पे क्या हुआ, आपको सुविधा नहीं दी जा रही थी? कुछ भी सुविधा नहीं दी गई, उन्होंने कहा ये सब ठीक है, इनको ड्रिप लगा के ग्लूकोज चढ़ा दो, होश आ जाएगा, होश आ गया, उसके बाद पट्टी कर दी, पट्टी करने के बाद हमें भिजवा दिया गया। धरने की बिजली भी काट दी गई है, सब कुछ कटा हुआ है, यहाँ कल फॉल्ट भी हुआ है, कोई भी घटना घट सकती है, यहाँ प्रोटेस्ट में कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि भैया बाहुबली है और 300 मीटर पे ही है। अब केंद्र सरकार के अंडर में तो दिल्ली पुलिस भी आती है, तो सरकार सुरक्षा दे रही है या अत्याचार करा रही है? बाहुबली तो सबे पता ही है कौन है, ब्रजभूषण है, और कौन क्या है, कहना चाहेंगे? तो हम लोगों को कानून पे भरोसा है पूरा, और ऐसे भूषण 360 हैं, अगर अब की बार कोई घटना ऐसी कराई गई तो भूस भर दिया जाएगा खाल में। हाँ सुन लें कान खोल के। क्या कहना चाहेंगे अंतिम रूप से, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों के लिए जो यहाँ पर आने का आह्वान किया? उन्हें सबे आना चाहिए, और आने के लिए भाई ये प्रोटेस्ट सबका है, 140 करोड़ देशवासियों के प्लेयर हैं,
गोल्ड मेडल ला रहे हैं, ये किसी पार्टी का नहीं है, सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं। बीजेपी की कल पीटी उषा भी आई, एक दो लोग आए। ये ऐसे चलता रहेगा? ये छोटी चीज है जो घटना करा रहे हैं, एक एक खून का कतरा जब तक शरीर में है ये इस आंदोलन के लिए है और ये काम आएगा, हम झुकने वाले नहीं है बिल्कुल। जी जब रोए थे तो उसके बाद सैलाब आ गया था, लेकिन यहाँ पर रोने के बाद कुछ ऐसा असर नहीं दिखाया? नहीं, देखा नहीं आपने? दिल्ली की चारों सीमाएं बंद कर दी, यहाँ से 5-5 किलोमीटर बैरिगेटिंग लग गए। अभी हमारे सैकड़ों लोग, सैकड़ों क्या 400-500 लोग जो हैं किसान संगठनों से और संगठनों से, सब थानों में बंद हैं। तो क्या है ये, अभी तक भी नहीं छोड़े गए, उनको पकड़ करके जेल में भेज दिया है, थानों में बंद है, जो डिटेन के छोड़े नहीं गए अभी तक, कोई नहीं छोड़ा गया। तो यही हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें छोड़ा जाए और इसे शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को करने दें, इसी में भलाई है।